में के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता की हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर से लोग अंकिता की मौत से गुस्से में हैं। इसी को लेकर हरिद्वार के परशुराम घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वावधान में एक घंटे का मौन उपवास रखा गया। उपवास में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी समेत कई साधु संत मौजूद रहे। आपको बता दें कि छात्रा की हत्या के बाद साधु संतों में आक्रोश नजर आया। उपवास के दौरान साधु संतों ने झारखंड में छात्रा की हत्या की निंदा की और राष्ट्रपति से हथियारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। हर हर महादेव। हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी से कि जैसे हमारी बिटिया अंकिता सिंह को सरेआम पेट्रोल डालकर जलाया गया, उन्हीं अपराधियों को हर चौराहे पे खड़ा करके पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए। ये घटना जब भी रुकेंगे, दिशा कोई भी हो, लेकिन जो ऐसे खिलौने अपराध करता है उसकी सजा सरेआम चौराहे पे लगनी चाहिए। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ये मांग करता है। आने वाला समय हमारे परिवार और हमारे बच्चों को घातक है। उस घातक के लिए संभलने के लिए भारतवासी आज प्रण करें कि अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं रक्षा करें। जिस तरह से अंकिता को मारा गया, और केवल अंकिता को ही नहीं मारा गया, रोज कहीं ना कहीं से खबर आती है किसी ना किसी बेटी की, हिंदू की बेटी को मारा जाता है, इसी तरह से मारा जाता है। और मारने के बाद जो मारने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए जमीयत उलमाए हिंद खड़ी हो जाएगी, उनकी पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। तो वो मारने में के बाद गर्व महसूस करते हैं और हंसते हुए अकड़ते हुए जेल जाते हैं। और देखिए, केवल एक आदमी को जेल भेज दिया जाता है, उसके पीछे पूरा जो तंत्र होता है उसे पुलिस और प्रशासन बचा देता है। ये हिंदुओं के लिए बहुत बुरी स्थिति है। हिंदुओं के झूठे नेताओं ने और कायर धर्मगुरुओं ने आज हिंदुओं को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आज बेटियां भी नहीं हमारी सुरक्षित हैं।